एचआरटीसी के प्रस्तावित बस स्टैंड की जमीन पर बने अवैध झुग्गियों को एचआरटीसी के प्रबंधक ने हटा दिया। इस कार्रवाई से दर्जनों लोग बेघर हो गए हैं। यहां रह रहे सारे लोग ऐसे हैं जो कि नगर परिषद के ठेकेदार के पास साफ सफाई का काम करते हैं। अचानक बेघर हो जाने से इन गरीब पर लोगों के लिए बच्चों सहित सर्दी के मौसम में रहने की समस्या खड़ी हो गई है। एचआरटीसी के प्रस्तावित बस स्टैंड की जमीन पर बने अवैध झुग्गियों को लेकर एचआरटीसी प्रबंधन ने हटा दिया है। इस कार्रवाई से दर्जनों लोग बेघर हो गए हैं। यहां रह रहे सारे लोग ऐसे हैं जो नगर परिषद के ठेकेदार के पास साफ सफाई का काम करते हैं। अचानक बेघर हो जाने से इन गरीब लोगों के लिए बच्चों सहित सर्दी के मौसम में रहने की समस्या खड़ी हो गई है। क्या नाम बताया आपने? लोगों का कहना है कि नगर परिषद में सफाई का काम करते हैं और काफी दिनों से यहां पर रह रहे थे, लेकिन आज अचानक एचआरटीसी के लोगों ने जगह खाली करने को कहा और झुग्गियों को हटा दिया। उन्होंने कहा कि अब इस मौसम में कहां जाएं, ये मुश्किल हो गई है। कचरा उठाते हैं हम, शहर में सफाई करते हैं, फिर भी हमारे को रहने के लिए जगह नहीं देती सरकार। हो गया हमारे को, यहाँ रह रहे थे आराम से, रह रहे थे, पानी भी दूर से लेके आते थे, चलो बेटे पास हो रहा था, लोगों को काम कर रहे थे, सरकारी काम कर रहे थे। बस स्टैंड बनेगा, बर्फ बनेगा, खाली करो उसको। तो हमारे पास सारा कुछ हमने कमेटी में बना के दिया हुआ, दफ्तर में सारा कुछ बना हुआ, हमारे पूर्व आ गया दबाया ना, बस बर्फ भर के आई। अच्छे हाथ तोड़ के बोलता भाई ऐदा ना करा, अच्छी चक लेंगे, एक दो दिन अच्छी चक लेंगे। वो कहने लगे नहीं हाथ जे चको, बस फिर डंडे तोड़ के सीटते मैं, फिर बोली मैं भाई अग तुसी ला हसी ला देने, अग ला दे ठीक, और की करना, पाले मरने, न्याणे छोटे छोटे पाई भी है गलिया में, कूड़ा उठाते हम। मैं बोले भी नहीं ठेकेदार, हम यहाँ रहेंगे, ऐसे लगा लिया तम्बू। अच्छा। फिर हम महीना दो महीना ऐसे रहेंगे, फिर हम उधर चले जाएंगे, यहाँ किराया मिलेगा वहाँ चले जाएंगे। इस बारे में एचआरटीसी के आरएम विवेक लखनपाल का कहना है कि विभाग की जमीन पर अवैध कब्जे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। कानून के मुताबिक इन झुग्गियों को वहां से हटाया गया है। वहीं ठेकेदार रवि का कहना था कि साफ सफाई कर्मचारी वहां रह रहे थे, इन्हें किराए पर कमरा लेने को कहा था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इन लोगों को किराए में कुछ मदद कर सकते हैं अगर वहां पर वे शिफ्ट हो जाएं। जहां तक ये झुग्गी झोंपड़ी किराए जाने का सवाल है, तो इसके बारे में मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि ये झुग्गी झोंपड़ी वाले जो है, बिना किसी की परमिशन के एचआरटीसी का जहाँ मुख्य बस अड्डा बनना है, प्रपोज बस स्टैंड है, वहाँ पर ये बसे हुए थे आके। बार बार इनको कहा जाता था कि आप अपनी झुग्गी झोंपड़ी यहाँ से उठाए, पर ये नहीं मान रहे थे। इस कल की कार्रवाई करने से पहले भी लगातार एक हफ्ता तक उनको वहाँ पर जाकर बताते रहे कि अपनी झुग्गी झोंपड़ियाँ हटा लो और आप अवैध रूप से यहाँ पर रह रहे हैं, परंतु उन्होंने एक भी नहीं सुनी। फिर हमें कार्रवाई करनी पड़ी और कल हमने उनकी झुग्गी झोंपड़ियों को वहां से हटा दिया। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।